फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय महादेव। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, राइट। आज हम पेज नंबर 30 पे एक पिक्चर दिया गया है, हॉर्स का पिक्चर है, वो हम ड्रॉ करेंगे और इसमें कलर फिल अप करेंगे। ठीक है, आपके पास पास में जो जगह दी गई है वहीं पे आपको ड्रॉ करना है। मैं अलग से पिक्चर में आपको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपको पहले देख लेना है कि कितने पोर्शन में आपको हॉर्स ये सन करना है। जो भी ड्राइंग करे बहुत ही लाइट ड्रो करना है, बिल्कुल से डार्क नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको ऐसा लगे कि ये परफेक्ट है तब भी आपको उसमें डार्क लाइन करनी है। डार्क भी बहुत नहीं करनी है, जितनी आप देख सके उतनी ही डार्क लाइन करनी है। ठीक है, आप अगर कैलीग्राफी करते हैं तो आपका हाथ एकदम फ्री हो गया होगा और आप बहुत से बहुत जल्द ड्रॉ अच्छा सा कर सकते हैं। इसमें क्रिएटिविटी भी है, डेकोरेटिव फॉर्म्स भी इसमें लगाया गया है, तो आप इसी तरह का ड्राइंग करना। ऑलमोस्ट हमारा ड्राइंग हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें कलर फिलअप करेंगे। कलर आपको वाटर कलर करना है। वाटर कलर में ओपेक कलर करना है। क्या करना है? ओपेक कलर यानी कि पानी की मात्रा बहुत ही कम। हॉर्स में हमें पर्पल कलर लेना है। पर्पल कलर कैसे बनाते हैं? रेड प्लस ब्लू और इसमें थोड़ा सा व्हाइट डालना है। मैंने इस तरह का कलर बनाया है। यहाँ पे मैंने पर्पल कलर बनाया है, इसमें थोड़ा सा व्हाइट डाला है। हमारी किट में जो रेड कलर और ब्लू कलर है वो मिक्स करने से इस तरह का पर्पल कलर ही बनेगा। आपकी बुक में जो दिया गया है ना, वो पर्पल कलर हमारी किट में जो है उस कलर से नहीं बनता। वो ओरिजिनल ऐसा ही पर्पल कलर आता है जिसका नाम माओ कलर है। माओ कलर का जो पर्पल कलर आता है ना, वो ही उन लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो हमें उस कलर को लेके कोई भी मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा कलर क्यों हमसे नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको रेड कलर और ब्लू कलर हमारे पास जो है वही मिक्स करके हमें पर्पल कलर बनाना है और उसमें थोड़ा सा व्हाइट डालेंगे तो इस तरह का शेड आ जाएगा। यहाँ पे फ्लावर में
कलर कंप्लीट होने के बाद हमें ब्लैक स्केच पेन या मार्कर से आउटलाइन दे देनी है। याद रहे बैकग्राउंड में भी आपको कलर कंप्लीट करना है, बाद में ही आपको आउटलाइन देनी है। यदि कलर गीला हो तो भी आउटलाइन मत देना, कंप्लीट हो जाने का पूरा सूख जाने के बाद ही आपको आउटलाइन देनी है ताकि हमारा पिक्चर कंप्लीट हो जाए। इस तरह से आराम से आउटलाइन करनी है आपको। ये हो गया आपका होर्स कंप्लीट। इसी तरह से सब जगह पे कलर करके पूरा सूख जाने के बाद आपको आउटलाइन देनी है और ये पिक्चर कंप्लीट करना है।